हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया, ये मैं खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो एमसीए या बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक आईटी में अभी एडमिशन लिए हैं। क्योंकि कई बार मैंने स्टूडेंटों को देखा है कि वो 3-4 साल अपनी पढ़ाई में जो है केवल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई में लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं टाइम उनका जो है निकल जाता है। और जब वो फाइनल सेमेस्टर में प्लेसमेंट के लिए जब जाते हैं तो उनको महसूस होता है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज या कुछ प्रोग्रामिंग जो मुझे आनी चाहिए थी वो मुझे नहीं आ रहा है और इसके चलते मुझे अच्छी कंपनी में जॉब नहीं लग रहे हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए एडवांस में बना रहा हूं कि आप अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया है और इस वीडियो को देख के समझ लें कि आपको कैसे सेमिस्टर वाइज या कैसे आपको ईयर वाइज प्रिपरेशन करना है आपको अपने सिलेबस से अलग। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको 3 चीजें जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट एज स्टूडेंट आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं कि मुझे एंड्रॉइड पे जाना है, मुझे वेब पे जाना है, मुझे एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे जाना है। आपको एज ए स्टूडेंट आपको सारा कुछ के जो बेसिक्स हैं, सभी टेक्नोलॉजी के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आज बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपनी सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करेंगे, अपने एमसीए का या फिर बीटेक सीएस का या फिर बीटेक आईटी का। हालांकि इस चीज को बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आपको 3 चीजें जानना जरूरी है अगर आप एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या आईटी स्टूडेंट है। तो पहला, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरा, आपको वेब टेक्नोलॉजी मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। और तीसरा, आपको ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए। पर अगर आप सोचेंगे मैं एक ही बार में तीनों पढ़ लूंगा, जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा उनकी नींद तब खुलती है जब वो फाइनल ईयर में पहुंचते हैं और फाइनल ईयर में कोशिश करते हैं सभी चीजों को एक साथ पढ़ने की, और बाद में क्या होता है वो एक खिचड़ी बन जाता है और कहीं पर भी कुछ नहीं हो पाता है और वो प्लेसमेंट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो परफॉर्मेंस उनको देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जैसे ही अभी आपने एडमिशन लिया है तो सबसे पहले तो आप अपना सी लैंग्वेज पढ़ें। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा आप सी लैंग्वेज पढ़ें, चाहे आपके सिलेबस में है चाहे सिलेबस में नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब इंडस्ट्री में आप जाएंगे, जब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, तो आपसे जब पूछा जाएगा तो वो आपका सिलेबस देखने वाले नहीं है कि आपने सिलेबस में क्या था, आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। उनको जो जरूरत होगा, उनको जिस टेक्नोलॉजी पे कॉम्पिटेंसी चाहिए होगी उसके बात करेंगे। और आप ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि मैंने ये नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं था। तो मैं आपको पहला बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर चाहे बीटेक चाहे एमसीए आप सी लैंग्वेज अपना पढ़ें। और दूसरा, अगर सी लैंग्वेज आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी आप सी लैंग्वेज को एक दोबारा से पढ़े, बिल्कुल स्क्रेच वे से पढ़े, और कुछ ना कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट चाहे कहीं से देख के चाहे अपने आप से आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप करें। देख के डेवलप करने का मतलब ये नहीं कि केवल उसको कॉपी किया और उसको आपने जो है रन कर दिया। देख के किसी प्रोजेक्ट को करने का मतलब यह है कि कहीं से कोई प्रोजेक्ट को उठाइए, उसके इंप्लीमेंटेशन को समझिए और उसको देखिए भी कैसा प्रोग्राम उसने बनाया है, और फिर उसको अपने खुद से कोशिश करने कोशिश कीजिए और हो सके तो उसमें एक दो फीचर्स अपने तरफ से भी ऐड करें। सी हो गया। उसके बाद जब सेकेंड सेमिस्टर में जाए, चाहे बीटेक हो चाहे एमसीए, फिर आप पढ़े पाइथन। अगेन पाइथन एक बहुत बड़ी चीज है, पूरा समुद्र है। तो पाइथन पूरा पाइथन नहीं, आप स्टार्ट करें डेटा टाइप से और एक्सेप्शन हैंडलिंग तक जाए, फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन यहां तक आप करें, बेसिक कर ले। और उसके साथ सी के एप्टीट्यूड क्वेश्चन आप टाइम टू टाइम करते रहे। एप्टीट्यूड जैसे एक्सप्लोरिंग सी बुक है या टेस्ट योर सी स्किल है, इस तरह के बुक्स या बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं, इवन मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं जहां पर हमने प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस डाल रखे हैं, उसको आप टाइम टू टाइम देखते रहें। सी को छोड़े ना, सी को साथ में लेके चले, ठीक है। और पाइथन का बेसिक जो आपका फाइल हैंडलिंग तक है उसको पढ़े। अब जब थर्ड सेमिस्टर में जाए तो थर्ड सेमिस्टर में आप 2 चीज पढ़े, ठीक है। थर्ड सेमिस्टर में एक तो पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कंस्ट्रक्टर, ये। और दूसरा एक डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब हो गया एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल।
तो आप कोसी अगर एक थर्ड सेमेस्टर में दोनों पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज केवल एसक्यूएल पढ़िए और आप पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद जब फोर्थ सेमेस्टर में जाए तो आप पीएल एसक्यूएल पढ़े। अब चूंकि एमसीए का 3 साल का होता है तो आप फोर्थ सेमेस्टर में जाने के बाद आप पीएल एसक्यूएल पढ़ लेंगे, तो इतने में क्या होगा कि आपके एक बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट, डेटाबेस का कंसेप्ट आपके पास आ गया। अब फिफ्थ सेमेस्टर में आप क्या करें, वेब टेक्नोलॉजी पे जाए, पर उससे पहले आप अगर टाइम मिले तो HTML, DHTML ये सब थोड़ा बहुत पढ़ ले। आज जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाए तो वेब टेक्नोलॉजी पे जाए, कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ के, चाहे वो PHP हो, ठीक है, चाहे वो पाइथन हो, इसको लेके वेब डेवलपमेंट पे जाए, कुछ लॉगिन पेज बनाए, एक छोटा सा अपना प्रोजेक्ट बनाए, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाए या कुछ ऐसे इनोवेटिव सोच के कुछ बनाए, ठीक है, एक छोटा मोटा 4-5 पेज का वेबसाइट बनाए। यहां तक क्या होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब एमसीए वालों का प्लेसमेंट आ जाएगा, अब आप प्लेसमेंट पे ध्यान दें। प्लेसमेंट में आप सी के एप्टीट्यूड क्वेश्चन पढ़े, रीजनिंग पढ़े, इंग्लिश पढ़े, ये सब थोड़ा बहुत पढ़े और फिर आप जो है, पर बीटेक के लिए अभी भी 1 साल बचा हुआ है, ठीक है। अब बीटेक वाले क्या कर सकते हैं कि बीटेक वाले अब, क्योंकि बीटेक का जो है 3 इयर्स होने के बाद उनका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है, 3.5 इयर्स होने के बाद, तो बीटेक वाले क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन आप पूरा वेब डेवलपमेंट पूरे अपने 3रे साल में पढ़े, उसमें जावास्क्रिप्ट और ये सब जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं यह टेक्नोलॉजी पे बात नहीं, टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहा हूं कि कौन सा प्रोग्रामिंग, कौन सा आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको जो अच्छा लगता है वेब टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। फिर जब फाइनल ईयर में आप बीटेक वाले जब जाएं और 7th सेमेस्टर में, ठीक है, तो आप एक बार जो है, उससे पहले तो आप सब्जेक्ट्स जावा आपका 100% 3 ईयर के अंदर जावा वगैरह भी आ चुका होगा, तो जावा वगैरह तो आप सिलेबस में पढ़ लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ चीजें ऐसे हैं जो सिलेबस में आपके नहीं होते हैं, तो जावा आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने जावा का नाम नहीं लिया। ये यहां तक कि जो एमसीए वाले हैं वो भी जावा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो फाइनल जब बीटेक वाले जब फाइनल ईयर में आए तो फाइनल ईयर में कुछ नया ना पढ़े, ठीक है। फाइनल ईयर में जैसे आप 7th सेमेस्टर में जाए, सी का रिविजन, पाइथन का रिविजन, वेब टेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन, वेब टेक्नोलॉजी में रिविजन कुछ ना करें, अपने वेबसाइट को टाइम टू टाइम डेवलप करते रहे, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है आप जो है डेटाबेस का रिविजन, जिसमें एसक्यूएल और पीएलएसक्यूएल, डेटाबेस में एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल सफिशियंट है आपके अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहां तक आप अगर इस तरह से प्लानिंग बने इन एडिशन टू योर सिलेबस, सिलेबस के अलावे, तो आपको अच्छे जगह प्लेसमेंट या फिर इतने सीखने के बाद तो आप खुद की अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, खुद का अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। आप प्लेसमेंट में तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है अगर आपने इस तरह की तैयारी किया एकदम बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज से, अगर आपने इस तरह के प्रिपरेशन किया। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने, मेरी हमेशा कोशिश कराती है कि आपको बिल्कुल डूबते के समय आपको सहारा ना देना, आपको पहले से ही आपको अलर्ट करना, जिससे कि आप पहले से ही अलर्ट रहे, पहले ही आपको पता चले कि हमें आगे क्या करना है। जैसे आपने देखा होगा नीम सेट 2019 का जो वीडियो है यूट्यूब चैनल में, सबसे पहले मेरा आया है कि नीम सेट 2019 कैसे आप क्रैक करेंगे। तो इस तरह के मैं बहुत ही एडवांस में बनाता हूं ताकि आपको लास्ट टाइम में आप जो है आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें। आपके मन में और भी कोई डाउट है, क्या लैंग्वेज पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मेरे उस लैंग्वेज में मेरे पास वीडियोस हैं या नहीं है इस तरह के, या आपको लगता है कि किसी लैंग्वेज में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो सारे चीज आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, आप बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।